तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज है 15 अगस्त और हम लोग जा रहे हैं, मैं मतलब ये कहाँ जा रहे हैं विकास? हेलो गाइस, हम जा रहे हैं स्कूल आज 15 अगस्त में लड्डू खाने। पक्का? पक्का। कितने खाएंगे थे? आज चार चार लड्डू निपटाएंगे। चलो फिर रैली में चल के थोड़ा बोलते हैं नारे वगैरह खतरनाक वाले, उसके बाद रैली में मिलते हैं। बाय। तो फिर क्या है, आते हैं आप लोग अपने स्कूल में और स्टार्ट करते हैं। सबको पहले झंडे दिखाता है क्योंकि सर ने कहा था सबको झंडे लेके आएगा, उसके बाद लगने लगते हैं नारे। उसके बाद आते हैं, हमको देते हैं झंडे फहराने की जिम्मेदारी, तो हम आगे आगे लेके इसको चलने लगते हैं और सभी बच्चे नारा लगाते हैं फिर से। और फिर हम लोग चल जाते हैं। एक फायदा है झंडे का, धूप नहीं लगती इससे। और फिर सब कोई लाइन टू लाइन चलने लगते हैं। हमारे पीछे सबसे छोटा लड़का, इसको देखो झंडा लेके। उसके बाद सब जो छोटी क्लास के लड़के हैं वही चिल्ला रहे थे, बड़ी क्लास वाले तो कह रहे थे क्या करना है, चिल्ला चिल्ला के हमको गला बैठ जाता है। जितने छोटी क्लास के लड़के थे चिल्लाने में सब वही थे, बड़ी क्लास वाले जितने भी आ रहे हैं सब ऐसे कैसे जा रहे थे। और रैली इतनी बड़ी थी कि पूरी स्कूल से लगा के चौराहे तक भी एक एक बच्चा था, मतलब कहीं से भी रैली टूटी नहीं थी, इतनी बड़ी रैली थी। कम से कम 1000 लोग से ऊपर ज़्यादा लोग थे। और यहाँ पे सर जी को चढ़ गया फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने का शौक। ये देखो मैं पकड़े था तो मुझसे ले लिया। एक ये हमारे प्रिय सर घोड़े में बैठ के आ रहे हैं। सर भी लाइक, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद ये रहे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जी, जिनके बगल में बैठा था मैं क्योंकि थक गया था झंडा पकड़े पकड़े। उसके बाद क्या आते हैं घोड़े में बैठ के तुड़ुक तुड़ुक और रैली खत्म होने के बाद में हम लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज भूख। उसके बाद आते हैं तो ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं, लो भैया अपना अपना डांस कदम कदम पे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। फिर स्कूल में स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम, तो सबसे पहला डांस स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर दूसरा डांस स्टार्ट होता है। और पहले डांस में कुछ खास नहीं था, फिर दूसरा डांस स्टार्ट होता है, उनको देख के लगता नहीं, फिर तीसरा डांस स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर चौथा डांस स्टार्ट होता है, राजेश सर की पता नहीं लग जाती है कहीं पे। उसके बाद चौथा डांस स्टार्ट होता है, फिर पांचवा डांस स्टार्ट होता है और इस डांस में भी कुछ खास मज़ा नहीं आया। उसके बाद में फिर छठवां डांस स्टार्ट होता है छोटे छोटे बच्चों का, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, ख़त्म। उसके बाद ये वाला, और फिर नेक्स्ट डांस स्टार्ट होता है अपना फौजी भाइयों का जो कि छोटे छोटे बच्चे बने। तो उसके बाद पता नहीं यहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि क्या, सबको इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये वहाँ पे गाना चल रहा है, इन लोगों चार लोगों का अलग दरबार चल रहा है, पता नहीं क्या कहाँ पे बम फोड़ने का प्लानिंग बना रहे हैं। गाइस सबको भगा रहे हैं यहाँ से, जो कोई स्कूल की ड्रेस पहन के नहीं आया है। अच्छा वो हम दोनों स्कूल की ड्रेस पहन के आए, ये बच गए। अच्छा ये भाई पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उसके बाद आते हैं ये लोग, मेरा भाषण सुन लो। उसके बाद जिम तो देखो कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती है, ये तो पता नहीं अंदर से है कुछ ले स्टार्ट। उसके बाद गिर जाता है सबके ऊपर पेड़, ये देखो पता नहीं कितना बड़ा पेड़ था भाई। उसके बाद हम लोग आते हैं फोटो शूट, पुलिस वाले आ गए और इसको 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 नहीं मारा, इसको बस मारा। झूठ बोल रहा है। कुछ बनाते हैं वीडियो, जैसे एक वीडियो ये रही, कैसी लगी? तो ये चले आ रहे हैं दोनों। उसके बाद गाड़ी का खत्म हो जाता है, इनकी पेट्रोल धक्का मारता हुआ इंसान धक्का मार के लेके आ रहे थे। तो फिर गए हम लोग धक्का मार मार के पेट्रोल भराने के लिए और वहाँ फिर स्टार्ट करके आए वहाँ से। और ये हम इसको अपनी वीडियो बनाने के लिए कहा था, ये अपनी वीडियो बनाने लगा, देख लो मतलब कुछ भी हो सकता है। जल्दी वहाँ से हटो। और एक वीडियो ये रही जो उड़ता हुआ पंछी हाथ छोड़ के जा रहा है। A few moments later. क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है।
बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है।